नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा किया ग्राहक जागरूकता अभियान। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के रानी तीन पंचायत स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक परिसर में शुक्रवार को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बेगूसराय के द्वारा वित्तीय एवं डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति जन जागृति कला मंच पटना की कलाकारों के द्वारा किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, अंबुज ग्राहक योजना, रुपेश रूपल रुपे कार्ड योजना, डिजिटल बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस इत्यादि योजनाओं की जानकारी मौजूद लोगों को दी गई। साथ ही बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए बैंक के सभी कागजात को गोपनीय रखने, एटीएम का नंबर, पिन कोड आदि को गोपनीय रखने, किसी को नहीं बताने की बात विस्तार पूर्वक कही गई। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मौजूद लोगों को किस तरह बैंकिंग फ्रॉड सीधे साधे भोले भाले जनता को ठगी का शिकार बनाता है, यह विस्तार पूर्वक बताया गया। मौके पर मौजूद वित्तीय साक्षरता सलाहकार श्याम किशोर ने मौजूद लोगों को बताया कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बेगूसराय के क्षेत्रीय पदाधिकारी श्याम किशोर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान व्यवसायी छोटे उद्योग खोलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए डिजिटल लेन देन करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बैंक की गुप्त बातें की जानकारी मांगता है और अगर आप बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो अविलंब अपने नज़दीकी बैंक शाखा और पुलिस स्टेशन को सूचित करें। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति सौरभ पांडे, राहुल कुमार, निक्की डिसूजा, निराला सोहराय, राखी कुमारी और गुड़िया कुमारी के द्वारा की गई। मौके पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक रानी शाखा के प्रबंधक राहुल कुमार, खजांची शुभम जायसवाल, विनोद कुमार, साजन कुमार, पंचायत के पूर्व मुखिया गांव पुकार राय, कृष्ण कुमार राय, शशिकांत ठाकुर, विश्वनाथ राय, प्रशांत कुमार दीपक समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आप पैसा उगलने वाला कोई कार्ड रखे हैं? पागल वागल हो गया था। अरे उसको पैसा उगलने वाला कार्ड कहते हैं चाचा, उसको कहते हैं डेबिट कार्ड। ये तो चाचा हमको भी डेबिट कार्ड बनाना है। ऐसे ही हमको भी बनाना है, कहीं जा करके खाता खुलवाना होगा तब ना वो डेबिट कार्ड मिलेगा। कैसे खाता खुले चाचा? अरे कैसे खुले, पहले बैंक जाओ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा में जाओ, जा करके खाता खुलवाओ। पता है ऐसे मुंह उठा के चल जाओगे तो खाता नहीं खुलेगा, उसके लिए एक जरूरी कागजात चाहिए, समझे? है तुम्हारे पास? नहीं है तो कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा तो वही तो आप ये बताइएगा ना। अच्छा, एक काम करो, मैट्रिक का एग्जाम दिया था? दिया नहीं है, पर मार्कशीट होगा? एकदम होगा। आधार कार्ड है? एकदम है। वोटर आई डी कार्ड है? है तो चाचा। राशन कार्ड है? मनरेगा कार्ड है? मनरेगा कार्ड हाँ हाँ है। अरे बुर्गस तक कोई एक चीज लेकर के जाओगे ना हाँ। तो उसपे खुल जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, तो जाओ जल्दी जा करके खाता खुलवा। अपने बेटे के शादी के लिए सारा पैसा खाता में रखे थे, आप कुछ करिए सर। अच्छा मैडम, आपके पास कार्ड है? एटीएम कार्ड मिला? हाँ हाँ है। उसका नंबर आप बताइएगा मैडम। हाँ लिखिए। बताइए मैडम। 11 16 36 38 हो गया। एक सीवीवी नंबर बोलिए मैडम। 4 5 6 अच्छा, एक 4 नंबर का ओटीपी नंबर गया होगा, वो बताइएगा थोड़ा मैडम। अच्छा रुक जाओ। हाँ लिखिए। जी मैडम बोलिए। 2 2 हाँ 6 6 हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका खाता चालू हो जाएगा और बेटी का ब्याह भी हो जाएगा बड़ी धूमधाम से। ठीक है मैडम? अधिकारी बन के बात करता है, कोई बैंक मैनेजर बन के बात करता है और आपसे सारा निजी
की जानकारी फोन के माध्यम से पूछ लेता है और भोले भाले लोग बता देते हैं, कोई कोई एटीएम का नंबर बता देता है, कोई पिन नंबर बता देता है, कोई सीवीवी नंबर बता देता है। तो ध्यान रखिए भैया, ना ही एटीएम कार्ड का नंबर, ना ही सीवीवी नंबर, ना ही वैधता और दिनांक, और ना ही कोई फर्जी ईमेल का जवाब दे, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। और ऐसे चोर उचक्कों से बच के रहे। चल था बीमा, अरे भाई बीमा करवा लोगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, नहीं मालूम है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रुपया सालाना दो और पूरे 2 लाख रुपया का बीमा पाओ। अच्छा, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत साल में मात्र 12 रुपया दो और 2 लाख रुपया का बीमा पाओ। क्या बात बोल रहे चाचा, मतलब महीना में 1 रुपया जमा करेंगे, मतलब साल में 12 रुपया होगा और 2 लाख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, यानी 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक अपने सुरक्षा अनुसार उसकी धनराशि कटवाओ, और जैसे ही 50 वर्ष के हो जाओगे उसके बाद 1000 से 5000 के बीच में पेंशन आना शुरू हो जाएगा। हाँ, बात बोल रहे हैं चाचा, मतलब जब स्कीम चल रहा है तो उसके लिए क्या है जरूरी भैया, जो पहले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में खाता होना चाहिए, जरूरी है। आपका भले ही किसी बैंक में खाता हो, लेकिन अगर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आपका एक बचत खाता नहीं होगा तो आप इन योजनाओं से वंचित रह जाइएगा। तो नहीं तो बाहर जाइए, वेट कीजिए, एक आदमी एक एटीएम एक आदमी हो सकता है। पैसा तो निकाला लेकिन नोट 11 हो गया निकाल के, इसीलिए किसी को भी कार्ड का ना नंबर बताइए ना उसका पिन बताइए, क्योंकि आपके सारे मेहनत की कमाई आपके 4 नंबर पिन पर निर्भर करती है। इसलिए अपनी निजी जानकारी अपने तक ही सीमित रखें, किसी अन्य आदमी से, किसी अन्य व्यक्ति से इस चीज को शेयर ना करें, बांटे नहीं। ये तो क्या कार्ड आपका मिला तो कार्ड और मोबाइल निकालो। अब निकालता हूँ, अच्छा बोलिए, चलो प्ले स्टोर में जाओ। आप अपने सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार को पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा मंगवा भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। अगर बाजार में है, आपके बटुए में पैसा खत्म हो गया, कैश आपके पास नहीं है, तो आप धनराशि डिजिटल में भुगतान कर सकते हैं, यानी कि इन जो ये सब ऐप है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना भुगतान करके। जरूरी नहीं है कि आपके बटुए में हमेशा कैश हो, नगद राशि हो, इसीलिए सरकार के साथ साथ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भी डिजिटल इंडिया कैशलेस इंडिया पर जोर दे रही है। आप लोग में जितने लोग का साक्षर नहीं है या उनको डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है तो चंगुल में फंस जाते हैं या उनके साथ कुछ धोखा हो जाता है, तो ये रखा गया है। इस माध्यम से लोग थोड़ा जागरूक होंगे और बैंक के बारे में भी कहते हैं कि जैसे बैंक से किसी तरह का ऋण लें तो जिस उद्देश्य के लिए लें उसमें वो जरूर लगाएं। ऐसे देखा गया प्राय, हम लोग काम किए उसमें 30 साल, होता क्या है कि लोग लोन लेते हैं उसको उसमें न लगा के कहीं और खर्च कर देते हैं, तो उनकी आमदनी भी नहीं होती है और बैंक का तो गया सो गया ही, तो इसके चलते दूसरे को दिक्कत हो जाता है क्योंकि पैसा तो सीमित है। अब हमारा कर्ज एक जगह डूब जाएगा तो दूसरे जगह कहाँ से दे पाएंगे? गवर्नमेंट भी नहीं देगी, सरकार भी नहीं देगी। इसलिए जिसके लिए जो लोन लीजिए उस उद्देश्य को जरूर कीजिए, उस काम को कीजिए और एकदम बनाइए ये मन के डेली कुछ न कुछ एक जमा कीजिए राशि कि भाई हमारा अगर 2000 का बन रहा है EMI तो हम उसी हिसाब से प्रत्येक दिन 50 रुपया गुल्लक की तरह जो बच्चे जमा करते थे उस तरह से जमा कीजिए कि ये राशि बैंक को हमको देना है, तब जा करके आपका ऋण भी चुकता हो जाएगा और आगे आपकी भी वृद्धि होगी, बैंक भी अच्छा रहेगा। इसीलिए सब किया गया है कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए, लोगों को जागरूकता भी आ जाए, लोग कुछ जानकारी भी ले लें। आप लोग तो जानकार हैं लेकिन बहुत जगह हम जाते हैं तो जीविका वाली महिलाएं होती है या हम खुद देखे हैं पट्टा में भी, हमको कुछ बुझाता नहीं है, 3 पास का सबको मिल जा रहा है, निकाल दीजिए पैसा और बस निकाल लें तो अपना निकाल लिया, वो आपका बेड़ा पार हो गया। तो इसके लिए है इंकलाब टीवी चैनल, यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।